बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है, हम भी खैरियत से हैं वीवर्स। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे और जो परेशान हैं परेशानियां अल्लाह ताला उनके दूर कर दे, बीमारों की बीमारियां दूर कर दे। और आज का व्लॉग है रूटीन के हवाले से, और अभी बज रहे हैं 3। मेरे मेहमान आए हुए हैं और आज आंटी भी आई हुई हैं कपड़े धोने के लिए, तो मैं कपड़े भी धुलवा रही हूँ और घर की सफाई भी कर रही हूँ। आप देखें कि घर कितना फैला हुआ है। और आज की रेसिपी भी देनी है आपको, इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी रेसिपी देने की। ये देखें मैंने बेड वो मैट्रेस हटाया हुआ है, और इधर की भी सफाई करनी है। पूरा घर देखें सब कुछ कैसा हो गया है, फिर ये सफाई कर लूँगी, इसके बाद आपको दिखाऊँगी इंशाल्लाह पूरा साफ़ करने के बाद, क्योंकि आंटी आई हुई है आज कपड़े भी धुल रहे हैं और मेहमान भी आए हुए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आप अपनी आपी के घर पर आई हुई हूँ, रात से यहीं रुकी हुई थी, गर्मी बहुत है ना इसलिए यहाँ पर आई हुई थी। मैं डिनर पे आई थी रात को, मेरी आपी ने मुझे रोक लिया था कि यहीं सो जाना, गर्मी बहुत है, तो इसलिए मैं आज रुक गई। मैं रुकती बहुत कम हूँ, मेरी आपी के यहाँ पर मुझे अपने घर में सुकून मिलता है बहुत ज़्यादा। और देखें मैंने अपनी आपी के कमरे की सफाई करी है, आप बताइएगा किस लगी है सफाई। और ये मेरी बेटी है, मेरी आपी है ना कपड़े धुलवा रही है, तो मेरी आपी बहुत बिजी थी। मैंने कि चलो आपी मैं आपका हाथ बटाती हूँ, मैं आपके रूम की सफाई कर देती हूँ। मैंने आज उनके रूम की सफाई करी है, आप बताइएगा कैसी लगी है। मुझे सफाई बहुत पसंद है। वालेकुम अस्सलाम। और अब ये देखें घर की हो रही है सफाई, और सफाई तकरीबन हो गई है। उसे जा रहे हैं ट्यूशन, रक्षा आ गया इनका, जा रहे हो। उज़ैफ़ा गए और अब मैं आंटी से थोड़ी सी चादरें रह गई हैं वो धुलवा रही हूँ, और फिर उसके बाद दिखाती हूँ जी। तो व्यूअर्स काम हो गया मेरा कंप्लीट माशाल्लाह से, काम भी हो गया, घर की सफाई वगैरह कपड़े वगैरह सब धुल गए। लेकिन मैंने बताया था आज आपको रेसिपी दूँगी, तो वो मैं रेसिपी यूँ नहीं दे सकी क्योंकि हमारी चली गई है लाइट, कोई ट्रांसफार्म का मसला हो गया, तो इसलिए जो मैं बना रही थी वो मैंने रख दिया है, और अब मैं कुछ और बना रही हूँ तो उसकी रेसिपी नहीं दे रही, इतना ख़ास नहीं है। तो बस ये आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। और अभी बना रही थी मैं चाय, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर कर लिया करें। और व्यूअर्स आज गर्मी भी बहुत है हैदराबाद में, तो आप बताइएगा जो जो देख रहे हैं तो कैसी गर्मी हो रही है। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरी कोशिश यही होती है कि अच्छा से अच्छा व्लॉग दूँ आपको। जब मैं यूट्यूब पर आई गई हूँ तो कोशिश यही करती हूँ कि अच्छा व्लॉग दूँ, मेरी पूरी कोशिश होती है। और आप थोड़ी सी मेरी मदद किया करें कि मेरे को बताया करें कि आज मेरे को किस तरीके से वीडियो बनानी है। और आप लोगों को से भी बस मेरी यही रिक्वेस्ट होती है कि मेरी बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाया करें, आगे भी शेयर किया करें, क्योंकि आप लोगों को ही प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं साथ साथ खाना भी बना रही हूँ और ऊपर बैठे हुए सब, और यहाँ हो रही है गर्मी। ये देखें मेरे हस्बैंड ने लगाया हुआ फैन मेरी वजह से, क्योंकि मैं किचन में काम कर रही होती हूँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है किचन में, तो यूँ मेरे को फैन लगा के दिया हुआ है। और मैं भी चाय बनाकर ऊपर लेकर जाती हूँ, या ऊपर से उनको बुलवा रही हूँ नीचे। और ये देखें मैंने प्याज है ना राउंड करके रखी हुई है, प्याज भी राउंड करके रखी हुई है मैंने, तो कुछ कम हो गई थी तो वो मैं इसमें डाल रही हूँ मैंने ना। और आ जाए चाय पी लें, चाय बना ली मैंने और खाना मेरा बन रहा है अभी।
इसकी तो मैं रेसिपी नहीं दे रही आपको, इसलिए कि मेरी मैं बना रही हूँ आज दाल, और बाजार से मेरे हस्बैंड लेकर आएंगे खाना, क्या लाते हैं वो भी पता नहीं अभी, और इंशाल्लाह कल के व्लॉग में आपको रेसिपी भी दूंगी जो मैं आज नहीं बना पाई, और इंशाल्लाह अच्छा सा व्लॉग दूंगी कल। हम कहीं जाएंगे वो भी दिखाऊंगी कहाँ जाएंगे, और उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा और आप बोर नहीं हुए होंगे इंशाल्लाह। बस और दुआओं में याद रखिएगा मुझे। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छी लगे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा जो मेरे चैनल पर न्यू हैं, जो न्यू देख रहे हैं, और जिन्होंने पहले किया हुआ है सब्सक्राइब वो तो लाइक करते हैं, वो लाइक कर दिया करें, और कमेंट्स में बताया करें कि किस कैसा लगा आपको व्लॉग, और दानियल भाई आप कहाँ हैं जो कमेंट्स कर रहे थे, तो और भी चीज़ों का कमेंट्स किया करें कि वीडियो कैसी लगी है कैसी नहीं, सब चीज़ों का बताया करें, और थैंक यू सो मच, इतना अच्छा लग वीडियो पसंद करने के लिए और मेरी हिम्मत बनाने के लिए। बस आगे यही कोशिश है कि मेरी कि मैं और अच्छे अच्छे आपको वीडियो दूँ। चले मिलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।